रोजगार का सृजन नहीं होगा, हमारे बेरोजगारों युवाओं को रोजगार कैसे देंगी। ये पूरी तरह से हताशा निराशा में ये सरकार है, ये भरमा रही है बिहार को। कुर्सी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्पण कर चुके हैं, कोई सिद्धांत की बात नहीं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन के अंदर कार्य स्थगन लाया था, लेकिन उस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बहस नहीं करवाया, जिसके बाद विजय सिन्हा बाहर निकले और सीधे तौर पर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और जिस प्रकार से बिजली के दर बढ़ाए गए हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला किया है। उसके बाद जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही साथ किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, सुनिए पूरे बयान को। तरफा सदन ऑर्डर में रहे न रहे विपक्ष को तो इग्नोर करते ही है, सत्ता पक्ष के लोग भी बेल में नारा लगा रहे हैं उसको भी इग्नोर करके सदन चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की खूबसूरती कहीं से नहीं दिखाई पड़ रही है। और हम लोग पहले भी कहा कि हमारे संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए जो संविधान का शपथ लेकर आए हैं, और बार बार संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय का अपमान और उस पर उंगली उठाने का बार बार प्रयास किया जाता है। जो भ्रष्टाचारी है, जो व्यभिचारी है, दुराचारी है, ऐसे लोगों पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी संज्ञान लेता है तो उसका वहां पर फिर पुनर्याचिका डाला जा सकता है। लेकिन रोड पर सदन के अंदर जनता के बीच संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता को घटाने और भ्रमित करने का खेल दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम निंदा करते हैं। आसन पर बैठे माननीय अध्यक्ष जी से हमने बार बार आग्रह किया कि सदन को पहले ऑर्डर में ले, और माननीय बिजली मंत्री बिजली के संदर्भ में जो बयान दिए थे कि गरीबों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उस पर चर्चा कराएं, उस पर सरकार का बयान आना चाहिए कि कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज बिहार गरीब राज्य है, एक तरफ कहते हैं गरीब राज्य है, सब्सिडी आप उपलब्ध करा रहे हैं तो फिर बढ़ाने का उचित क्या है, ये क्यों मजाक बिहार के लोगों से कर रहे हैं। हमारा निवेशक जिसको महंगे बिजली दर पर इंडस्ट्रीज कैसे, आज है जनता की सबसे बड़ी समस्या जो पूरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र लघु सीमांत किसान कुटीर उद्योग लघु उद्योग व्यापार को प्रभावित करेगा। ये बिजली दर की जो वृद्धि की गई है इसका प्रभाव 24% ही नहीं, इसका 45% के लगभग लोड पड़ेगा। और पूरे बिहार के अंदर एक बार फिर से ये मर्मरिंग व्याप्त है जनता में, आक्रोश कि बिजली बिल हमारा एक तो पहले ही गलत आ रहा था, गलत रीडिंग, प्रीपेड मीटर, कई तरह के गड़बड़ी, और ऊपर से ये वृद्धि करके सरकार अपनी कमजोरी खामी और बिजली बिल में जो सरकारी संस्थानों के अंदर अवैध ढंग से उसका पेमेंट भुगतान बाकी है प्रभावित कर रहा है, वो सब जनता के ऊपर लोड डाला जा रहा है। इसलिए बिजली बिल का जो वृद्धि किया है उसको हर हाल में वापस लेना चाहिए। इस मामला को लेकर के जब हमने सदन में अपने कार्य स्थगन दिए हैं उस पर विमर्श के लिए खड़ा हुआ, सत्ता पक्ष के लोग ही बेल में आ गए, और सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों नारा लगा रहे हो तो सदन ऑर्डर में नहीं है तो चलाना क्या औचित्य है। रोजगार का सृजन नहीं होगा, हमारे बेरोजगारों युवाओं को रोजगार कैसे देंगी। ये पूरी तरह से हताशा निराशा में ये सरकार है, ये भरमा रही है बिहार को। कुर्सी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्पण कर चुके हैं, कोई सिद्धांत की बात नहीं। नो अपराध रुक रहा है, नो भ्रष्टाचार रुक रहा है, अब तो जनता पर एक नया बोझ भी डालने का ये प्रयास शुरू कर दिए हैं, हम इसीलिए इसका बहिष्कार किए। इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं है, बहस तो मैं चाहता हूँ, आपका जो बिहार का थर्मल पावर था आप क्यों चलाने में सक्षम नहीं थे, क्यों आपके लोग इतने निकम्बे और कायर थे, अपने स्टेट के प्रोडक्शन हमारा थर्मल पावर से होता, हमारी बिजली सस्ता मिलती। आज थर्मल पावर सब हैंडओवर आप एनटीपीसी और दूसरे संस्था को कर दिए, ये कायरों की जमात बिहार के हित में काम नहीं कर पा रही है।
आज उसका ही परिणाम है। अपना बहस का है, हमको विमर्श के लिए इसीलिए चाह रहे थे। आज कांटी का हो, थर्मल का हो, कई जगह बिहार का थर्मल पावर क्यों आप सेंट्रल को सौंप दिए हैं, फिर भी दूसरे राज्य की अपेक्षा बिजली दर यहाँ ज्यादा क्यों है, सरकार को जवाब देनी चाहिए।